गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए सेकंड ईयर होम साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन एक निर्माणात्मक पोषक तत्व है। ये सभी सजीवों की कोशिकाओं को बनाता है। हमारे शरीर के सारे अंग प्रोटीन के बने होते हैं। बॉडी में केवल पित्त रस और यूरिन को छोड़कर बाकी सारे लिक्विड भी प्रोटीन के बने होते हैं। बच्चों, प्रोटीन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। यौगिक दो तरह के होते हैं बच्चों, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, और अकार्बनिक यौगिक वो हैं जिनमें कार्बन अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं होता है। तो प्रोटीन में कार्बन होता है, इसलिए ये एक कार्बनिक यौगिक है। इस यौगिक को प्रोटीन नाम मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने दिया। सर्वप्रथम इसे प्रोटीन नाम मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने दिया। प्रोटीन शब्द जो है बच्चों, वो प्रोटोटियोज शब्द से लिया गया है। प्रोटोटियोज एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है फर्स्ट। फर्स्ट मतलब प्रथम, तो मतलब ये प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पोषक तत्व है, क्योंकि ये हमारे शरीर का निर्माण करता है, इसीलिए इस पोषक तत्व को प्रथम स्थान पर रखा गया है। साथ ही 1 ग्राम प्रोटीन हमने पढ़ा था कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन हमारा शरीर प्रोटीन से ऊर्जा तभी लेगा जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, नहीं तो प्रोटीन का मुख्य काम शरीर का निर्माण करना है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों प्रोटीन का संगठन। संगठन मतलब किन किन चीज़ों से प्रोटीन बना हुआ है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है तो मतलब इसमें कार्बन तो उपस्थित है ही। तो प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इनसे मिलकर प्रोटीन बना हुआ है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें सल्फर भी पाया जाता है। सभी प्रोटीन में सल्फर नहीं पाया जाता, कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है। प्रोटीन बच्चों जल अपघटन के पश्चात सबसे अपनी छोटी इकाई अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। विभक्त होने के बाद जो है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित हो जाता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों संगठन के बाद आ जाएगा हमारा प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन को बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम प्रोटीन का वर्गीकरण पोषण की दृष्टि से करेंगे कि पोषण की दृष्टि से प्रोटीन को कैसे वर्गीकृत किया गया है। पोषण की दृष्टि से प्रोटीन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, पूर्ण प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो पूरा है, इसे कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। पूरा मतलब इस प्रोटीन के अंदर जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे शरीर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग सही मात्रा व सही अनुपात में होते हैं। मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें शारीरिक आवश्यकता के अनुसार सही अनुपात व मात्रा में सभी अमीनो अम्ल उपस्थित हों, उसे पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। तो बच्चों जो अंडे का प्रोटीन होता है और जो दूध का प्रोटीन होता है, ये पूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में पाए जाते हैं।
पोषण विज्ञान के अंतर्गत बच्चों जब भी अंडे की बात होगी तो वो मुर्गी के अंडे की बात होगी, क्योंकि इसे ही आहार में मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। तो अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन और दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होता है, क्योंकि इसके अंदर सभी अमीनो अम्ल आवश्यक मात्रा व अनुपात में उपस्थित होते हैं, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक पूर्ण प्रोटीन से पार्शली कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं, मतलब ये प्रोटीन पूर्ण नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मतलब इस प्रोटीन के अंदर दो या तीन अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन वो इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो ये प्रोटीन कहलाता है आंशिक पूर्ण प्रोटीन। अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन और बच्चों दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है। अनाजों के अंदर जो है वो लाइसिन नामक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहता है और दालों के अंदर मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहता है। लेकिन जब अनाज और दाल का कॉम्बिनेशन करके उनको मिला करके कोई डिश तैयार कर ली जाती है तो वो डिश वापस पूर्ण प्रोटीन में बदल जाती है, क्योंकि अनाजों के लाइसिन नामक प्रोटीन और दालों के मिथियोनिन नामक प्रोटीन की जो है कमी पूरी हो जाती है। क्योंकि अनाज और दाल मिल जाते हैं तो लाइसिन हमें जो है वो दालों से मिल जाता है और मिथियोनिन हमें अनाजों से मिल जाता है, तो वो डिश जो है वो पूर्ण प्रोटीन के रूप में बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन वो होता है बच्चों जिसके अंदर कुछ अमीनो अम्ल ही उपस्थित होते हैं, बाकी सारे अनुपस्थित होते हैं। मतलब दो या तीन अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, वही उपस्थित होते हैं, बाकी सारे अनुपस्थित होते हैं, उसे अपूर्ण प्रोटीन या इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। बच्चों जो मक्के के अंदर प्रोटीन होता है वो प्रोटीन जो है वो अपूर्ण प्रोटीन होता है, उसके अंदर सिर्फ दो या तीन अमीनो अम्ल ही उपस्थित होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से बच्चों प्रोटीन को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन व अपूर्ण प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम प्रोटीन का वर्गीकरण जो है वो अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी के अनुसार करेंगे कि उन्होंने प्रोटीन को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तब तक आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।